आखिर अखिलेश यादव के घर के सामने धू धू कर कैसे जली पुलिस की जीप, और आज अखिलेश यादव के सामने ही कैसे पुलिस वालों से भिड़ गए समाजवादी पार्टी के नेता। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक और आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। जिस वक्त अखिलेश यादव धरने पर बैठे थे अपने घर के सामने, ठीक उसी सामने उनके घर के बगल में जो गौतम पल्ली थाना है, ठीक उसके सामने एक पुलिस की जीप धू धू कर जल उठी। अचानक से इस जीप में आग कैसे लगी, इस जीप में आग किसने लगाई, क्या समाजवादी पार्टी के नेता ये जरूरत कर सकते हैं कि वो अपने नेता के सामने ही किसी जीप को जला दें? क्या पुलिस वाले इस बात को अंजाम दे सकते हैं कि एक आंदोलन को सैबोटाज कर दिया जाए? चर्चा बहुत है। जैसे ही ये जीप जली, अखिलेश यादव के इर्द गिर्द जितने भी नेता थे सबों ने एक सुर में यह आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने इस जीप को सुलगा दिया, उन्होंने इस जीप को जला दिया। कहीं ना कहीं उनके इस आज के आंदोलन को पंचर करने के। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से जब हमने बात की तो उन्होंने भी यही सवाल खड़ा किया कि आखिर थाने के सामने अगर जीप जली है तो पुलिस वालों ने ही जलाई हो। सुनिए क्या कहा था अखिलेश यादव। बाहर थाने के सामने गाड़ी जला दी गई है, गाड़ी जल धू धू करती हुई जलती दिखाई दे रही है। अगर थाने के सामने जली है तो पुलिस ने जलाई होगी। अगर पुलिस वाले जला रहे हैं वो इसलिए जला रहे हैं कि आंदोलन कमजोर हो जाए। गाड़ी क्यों चढ़ाई किसानों पर, गाड़ी किसानों पर इसलिए चलाई कि आंदोलन कमजोर हो जाए। जिस जगह पर यह जीप धू धू कर जल रही थी ठीक उसके सामने गौतमपल्ली थाना है, और थाने में ऊपर में एक सीसीटीवी भी लगा है। अब कल को अगर ये सीसीटीवी कैमरा खंगाला जाएगा तो ये साफ तौर पर दिखाई देगा कि ये जीप खुद जली, इस जीप में किसी ने आग लगाई, या फिर इस जीप को किसी ने किसी आंदोलन को बदनाम करने के लिए जलाया। इन तीनों बातों से पर्दा उठ सकता है अगर उस सीसीटीवी के राज सामने आ जाए। लेकिन एक बड़ा सवाल जरूर है कि आखिर अखिलेश यादव के घर के सामने जब वो खुद धरने पर बैठे हैं तो एक पुलिस की जीप कैसे जल उठी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव आज अपने घर से निकल ना पाए इसकी पूरी तैयारी सरकार ने कर रखी थी। न सिर्फ उनके घर के आगे बड़े बड़े बैरिकेड लगाए गए बल्कि दोनों तरफ के रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया था। अखिलेश यादव गाड़ी से निकले और घर के आगे ही धरने पर बैठ गए। काफी देर पर तक वो धरने पर बैठे रहे और उसके बाद धीरे धीरे जब पुलिस वालों ने उन्हें हिरासत में लिया तो उनका काफिला जेल की तरफ बढ़ चला, वो मेकशिफ्ट जेल जहां उन्हें ले जाया जाना था। लेकिन रास्ते में ही एक ऐसी घटना हो गई जिसने एक बार फिर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर सवाल खड़े कर दिए। ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में पुलिस वाले से एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता भिड़ गया और मैनहैंडलिंग दिखाई दे रहा है कि कैसे एक कार्यकर्ता ने एक पुलिस वाले की कॉलर पकड़ ली। और हालत यह रही कि अखिलेश यादव को उस गाड़ी में जिसमें वो हिरासत में थे, जिससे उन्हें इको गार्डन ले जाया जा रहा था, वो खुद गाड़ी से बाहर निकले और उन्होंने मामले को शांत किया। मामला क्या था, क्यों ये कहां सुनी हुई, क्यों ये मैनहैंडलिंग हुई, क्यों पुलिस वाले का कॉलर पकड़ा गया, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। लेकिन इस वीडियो ने कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर खड़ा किए कि आखिर वो कौन लोग थे, या फिर वो कौन सी बात हुई थी कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को इतना गुस्सा आया कि उसने पुलिस वाले का कॉलर पकड़ लिया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। और आज की एक सबसे अच्छी ऐसी खबर जिसे शायद आप जानकर हैरान होंगे, आज राकेश टिकैत ही सरकार के संकट मोचक बने। जिस तरीके से किसानों का गुस्सा था, जिस तरीके से किसानों ने मृत किसानों के शवों को गुरुद्वारे में रखा था, पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं थे, आखिरकार प्रशासन की मेहनत तब सफल हुई, तब रंग लाई जब राकेश टिकैत ने यह समझौता कराया। राकेश टिकैत और सरकार के बीच पटरी नहीं खा रही। दोनों एक दूसरे के फिलहाल सियासी दुश्मन इसलिए हैं क्योंकि राकेश टिकैत ने
किसान आंदोलन का मोर्चा संभाल रखा है और वो झुकने को तैयार नहीं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में जब किसानों का इतना बड़ा संकट खड़ा हुआ तो राकेश टिकैत ही सरकार के बचाव में आए। इन चार किसानों की मौत तो सबने देखी, लेकिन उन चार लोगों का क्या जिन्हें पीट पीट कर मार दिया गया? इन चारों की चार कहानियां हम आपको कल दिखाएंगे कि आखिर कौन थे वो लोग और उनके साथ क्या हुआ। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, लेकिन आप हमारा कार्यक्रम, आप हमारा वेबसाइट www.uptak.in लॉगिन करना ना भूलें, क्योंकि वहां पर आप हमारी खबरों को पढ़ भी सकते हैं। धन्यवाद।